सबसे पहले मैं पहले जनाब सैयद शमसुद्दीन साहब कोऑर्डिनेटर टू सीएम गिलगित बल्तिस्तान और जनाब इंजीनियर मोहम्मद इस्माइल साहब मेंबर कानून साज असम्बली गिलगित बल्तिस्तान दोनों की खिदमत में हदय सलाम पेश करता हूँ। इसके बाद उनकी खिदमत में सोशल मीडिया के ज़रिए कुछ गुजारिशात भी अर्ज करना चाहता हूँ। नंबर एक, अगरचि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी नहीं हूँ, न मैं तहरीक इंसाफ का भी रुकन है, मैं एमडब्ल्यूएम मशरूम का एक अहदेदार हूँ। बहसत पाकिस्तानी शहरी मैंने अपना वोट का इस्तेमाल चूँकि एमडब्ल्यूएम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में इतिहाद हुआ था तो मैंने शहीद शमसुद्दीन साहब को दिया हूँ। इसी तरह हल्के के वोटरों ने जनाब इंजीनियर इस्माइल साहब गुजरात 25 सालों से मैदान सियासत में हैं, एक तजुर्बेकार काबिल कोनमच सियासतदान हैं, एक तवक़ो के साथ वोट दिए हैं। हमने भी अगर जनाब सईद शमसुद्दीन को वोट दिए हैं तो उनको भी बाबा सियासत कहा जाता है। आप लोगों को मालूम है इंजीनियर इस्माइल साहब को मैदान सियासत में लाने वाला पहले सईद शमसुद्दीन साहब थे, उन्होंने जो है ना इस्माइल साहब को सपोर्ट किया कामयाब, और इसके बाद जो है ना उनके अपने काबिलियत की वजह से, उनकी खदमात की वजह से वो मुसलसल मुंतखब होता रहा। गुज़श्ता इलेक्शन में भी चूँकि हल्के के आवाम ने वोट दिया तो मुकाबला भी सख्त हुआ माशाल्लाह। इसके बाद जो है ना इस्माइल साहब चूँकि बाकायदा तौर पर कामयाब हुए, वो असम्बली में पहुँचा। सईद शमसुद्दीन साहब की चूँकि वफाक में उनकी भी हुकूमत है, गिलगित पाकिस्तान में भी पीटीआई की हुकूमत बना तो उनको भी काबिना मिला, कोऑर्डिनेटर बनाया। तो हल्के की आवाम को एक उम्मीद था, खुशी हुई थी कि कुछ अच्छा गांछे के हल्कों में नुमाइंदगी ही नहीं है आवाम को, टेक्नोक्रेट की सीट ही नहीं मिला। मशरूम की आवाम को 2 सीट मिले, एक कोऑर्डिनेटर बनकर काबिना में गया, दूसरे असम्बली में पहुँचा। तो हमें यह तवक्को था कि आप दोनों आवाम के मफाद के खातिर काबिने में जाकर असम्बली में जाकर इज्तिमाई हुकूक के लिए लड़ने के बजाय अब आप दोनों आपस में लड़ना शुरू किया, जिसकी वजह से पूरा मुआशरे में जखंसाई हो रहे हैं। आप लोगों के हाल हफ्तों के दौरान मैंने भी आप लोगों की बयानात, प्रेस कॉन्फ्रेंस, वीडियो पैगाम सुनकर हमें बहुत जो है ज़हनी खौफ हुआ, क्योंकि आप दोनों से जो आवाम की तवक्कात थे, अभी आप लोगों का गली कोचों में आवाम से किए हुए तकरीरों की गूंज बाकी हैं। आप लोगों ने रोज़गार दिलाने के जो वादे वगैद किए थे वो तहरीरों की अभी तक स्याही भी खुशक नहीं हुआ। लोगों को उम्मीद था आप काम हो जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर आप अभी एक दूसरे के जो है ना टांगे खींच रहे हैं। खुदा रहा आप लोगों को मशरूम के आवाम के बारे में सोचें, अगर आप लोगों को कोई मराहत गवर्नमेंट दे रहे हैं तो ये आप लोगों की ज़ाती जो है ना वो अच्छा खर्चों से एक दूसरे को नहीं दे, वो हुकूमत आलिया दे रहे हैं, किसी को कोऑर्डिनेटर बने, किसी को असम्बली में मेंबर बने, मरा दे। तो आप लोगों को क्यों तकलीफ होते एक दूसरे के पीछे क्यों पड़ते हैं? हमारा गुजारिश है अपने मुआज़िज मेंबरान असम्बली से, कोऑर्डिनेटर साहब से, कि आप लोग मशरूम के आवाम की बेहतरी के लिए सोचें। यहाँ बहुत इशूज़ हैं, यहाँ गंदम का इशूज़ हैं, यहाँ आपको पता है सेहत का अच्छा बारे में कितने अच्छा यहाँ पर मसाइल हैं। टेन बे के अस्पताल में अभी तक डॉक्टर नहीं है, तालीमी इश्यूज हैं, अभी तक मशरूम में एक जो है ना एवरूड है स्कूल नहीं है, यहाँ रोड का मसाइल हैं, रोज़गार का मसाइल हैं। खुदा के लिए आप दोनों से हमारा गुजारिश है, आप दोनों मिल बैठ कर यकजान होकर, आप लोग बाकी हल्कों में हमने देखा जब जीते तो हारे हुए नुमाइंदे जाकर उनसे गले मिले, मुबारकबाद दी, हमें भी आपसे तवक्को थे। आप दोनों चूँकि करप्शन किए तो भी आप दोनों ने जो है किए हैं, नहीं किए तो आप दोनों आवाम को इस चीज़ से कोई गरज नहीं है। अभी हमें आपसे काम लेना है। वज़ीर आला आया, सीम आया तो हमें उम्मीद था कि ये तो जो है ये दोनों काबिल नुमाइंदे हैं, ये मशरूम मिलाएंगे, बड़े बड़े स्कीमों का ऐलान करेंगे। इसके बावजूद ये जो है ना हल्के में ला के रोबे का आप लोगों ने ऐलान नहीं करवा सका, पैकेज नहीं ला सका, और मीडिया पर आप लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। सबका हुकूमतों की जो एडीपी में रखे हुए अभी सिक्के में ड्रॉप हो रहे हैं, उसके लिए आप लोग जाकर लड़ नहीं रहे हैं,
اچھا آپ آپس میں لڑ رہے ہیں اور آپ کے دونوں کے جو خاص چیلے آپ کو پتہ ہے وہ بھی جو ہے نا ابھی آپ دونوں کی کردار کا اشا کرنی کردار کشی کرنے اور آپ لوگوں کی کرپشن کو جو ہے نا معاشرے کے اچھا اندر جو چھپ عیاں کرنے میں آپ سے بھی بڑھ کر زیادہ جو ہے نا اپنے اس میں جو ہے نا کود گئے ہیں اس میں, جس کی وجہ سے معاشرے میں آپ لوگوں کی سبکی یقیناً ہو رہا ہے اور آپ لوگوں کے جو ساتھ پھرنے والے آپ لوگوں کے جو رخائے کار ہے ان سے بھی آپ ہمارا گزارش ہے ان کو ایک میز پر لائیں, آپ بھی مشہبوں میں آئیں وہاں لوگوں سے ملیں, اتفاق اتحاد ان کے اندر باہمی بھائی چارگی کی فضا کو قائم کر کر دونوں یک جان ہو کر خدا کے لیے مشہبوں کے عوام کے لیے سوچیں. آپ آپ لوگوں اپنے جو ہے نا کوئی کہتے ہیں میں جیل میں ڈالوں گا, کوئی کہتے ہیں ہمیں کور میں جاؤں گا, کیا تکلیف ہے آپ دونوں کو؟ اللہ نے آپ لوگوں کو منصب دیا ہے, ذمہ داریاں دیا ہے, تو ابھی آپ خلق خدا کی خدمت کریں, خدمت اچھا خلق کو عبادت سمجھ رہا ہم میں اگر کام کریں تو مجھے یہاں تک شک پڑتے ہیں سعید شمس الدین صاحب اور انجینئر اسماعیل صاحب کو آپات میں تناؤ بڑھانے میں ان کو لڑانے میں کسی خفیہ ہاتھ کا قوتوں کا یقیناً سازش کا رما ہو سکتے ہیں, کیوں ورنہ یہ دونوں جو ہے نا بہت قابل اچھا شخصیت تھے, ان کو پتہ ہے معاشرے کے اندر داؤ پیچ کا سیاسی معاملات کا, اس کے باوجود اگر یہ لڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ سازش کا شکار ہو رہا ہے. تو ہمارا گزارش ہے ابھی جو ہے نا آپ لوگوں سے پھر بار بار کہ اچھا آپ لوگ مشروم کے عوام کی خاطر آپس میں لڑنا چھوڑ دوں, ایک دوسرے کی ٹانگیں اچھا کھیلنا چھوڑ دیں. اچھا دنیا دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے اس طرح لڑائی کرنا, جس طرح یہ تو ان پڑھ لوگ جو ہے نا گلی کوچوں میں نکلتے ہیں, کچھ اخلاقی حدود کا بھی خیال رکھیں. تو معزز اچھا ممبران اچھا سہچوں کی ان کے جو رفقار ہیں مشیران ہیں ان سے ہمارا گزارش ہے دونوں کو ایک مذاکرات کی میز پر لا کر بٹھا کر اتفاق اتحاد سے یہاں پر عوام کے لیے اچھا کام کرنے کے لیے ان کو تیار کرائیں, نہ کہ جو ہے نا جا اس میں معاملے کو مزید اچھا الجھانے کی کوشش نہ کریں. اسی کے ساتھ میرا دعا ہے اچھا میری ان باتوں سے اگر آپ معزز اچھا ممبران کے بھی کوئی اچھا ٹھیس پہنچا تو میں معافی کا خواہشگار ہوں. امید ہے کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا بھی کہ اندر ذاتی مفادات کو بالا طاق رکھ کر خدمت خلق کے انسانی جذبے کے تحت مشروم کے عوام کی دکھی انسانیت کی خدمت کرنے کے دام درمین سوکھانے اچھا آپ لوگوں کو عوام کی بہترین خدمت کرنے کی توفیق دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.